सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में भाई आज की वीडियो में गाइस वही कुछ स्पेशल नहीं है। मतलब स्पेशल क्या नहीं है यार, रुको गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, एक और भाई, लिटरली अगर ये 2 4 मिनट और चलता है ना, मेरे कान फट जाते। लेकिन म्यूजिक अच्छा है भाई। चलो फिलहाल, सुबह गाइज मैं बैटल कर रहा था तो गाइज ये देखो मुझे क्या दिखा है। आप भी कहोगे भाई ये पहले क्यों नहीं दिखा। गाइज मैं ना अब EM राइफल लेने वाला हूँ भाई, जल्दी। चीता वीता जो जो मेरे टारगेट मैंने आपको पहले बताए थे, स्टॉकर को अपग्रेड करना, वो सब बाद में होंगे। पहले भाई EM राइफल लेनी ज़रूरी है। रेलगन तो आ नहीं सकती, EM राइफल ही ले लेते हैं। लेकिन भाई वो भी कुछ कम महंगी नहीं है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको भाई, ये देखो EM राइफल 8.8275 की, और 10 10 लूँगा भाई मैं। अगर लूँगा ना तो 10 नहीं लूँगा, क्योंकि ये अगर ये लग जाएगी इस पे लॉन्ग आर्म 10 के साथ लग जाएगी भाई ये इसके ऊपर, तो ये बढ़िया वर्क कर सकती है। पायलट में गाइज मैं टॉर्च लाइट किसी पे लगा है, अच्छा उस पे है। तो चलो भाई बिना किसी वेट के चलते हैं बैटल में। मिलते हैं गाइस बैटल में। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, अब आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। गाइस मैंने आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये देखो भाई, ब्रिक हाउस आज से अपना स्नाइपर है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ भाई, क्या बोलते हैं वो है ना, क्या नाम है ये, आज से गाइज अपना वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भाई, अगर जहाँ तक मैं बता सकता हूँ 10 मिनट से ऊपर का नहीं होगा, ठीक है। ओ भाई एलेक्स रैक 8 तो पूरा पीछा करके मारते हैं, मतलब लिटरली छोड़ना नहीं है भाई। मैं बच गया, बट गए साथ ही साथ मैंने इंडियन आर्मी, ये कोई बंदा था इसको भी मार दिया। चलते हैं भाई डी कंट्रोल पॉइंट की तरफ, और देखो भाई अब स्नाइपर के जलवे, क्योंकि इस पे लगी है महा डैमेज देने वाली। एक सेकेंड, ये लो भाई जलवे दिख ही गए होंगे। एक सेकेंड भाई थोड़ा सा, अबे सारा मज़ा ख़राब कर दिया। डैमेज देखो यार, 20 20 हज़ार का डैमेज भाई। मैं यहाँ नहीं रुकने वाला यार एक सेकंड भी अब। ओए लो भाई, क्यों वो भाई बंदा वो पी, ये रहा ये रहा ये रहा। लो भाई जब मारने पे हाथ है ब्रिक हाउस तो भाई बहुत गंदा मारता है।
अरे अमेम भाई, ये बहुत गलत बात है यार। ये देखो, अब ये सारे मुझे ही मारेंगे, इंडियन आर्मी। पहले मैं इसको उड़ाता हूँ। लो भाई, हो गया खत्म। हाँ, एम का खेल है भाई सारा। ओ नो भाई, यार ये वैसे है यार, स्ट्रांग तो है ये बंदा, इंडियन आर्मी भाई। लेकिन ओके बा, मैं भाई आखिरी में कब बचाऊं? ओके, मेरे साथ भी है भाई टीममेट मेरा। टेंशन की भाई बात नहीं है। यार मैंने पूरा साथ दिया, बट अभी रुक जाओ यार। नहीं यार, छः, चलो छः मैं मार दिए। और इसने और कितने मारने हैं भाई इसको, अचीवमेंट के लिए 42% ऑफ टीम डैमेज भाई मेरा है। कितने मारने हैं इसको और अचीवमेंट के लिए, ब्रेक हाउस को देखें एक बार। आ गया तेरा 66-75 करीब करीब। नौ नौ और मारने हैं भाई। चलो फिर चलते हैं सीपीसी में। चलो गाइस, बैटल हो चुकी है स्टार्ट। ले आए हैं अपने हीरो को। और भाई इसकी स्प्रिंट बड़ी सोच समझ के यूज करनी पड़ती है। चलो गाइस शुरू करते हैं आतिशबाजी। पहला किल, यार मैं इसको मार सकता था बट भैया ना एम भाई डैमेज नहीं पड़ा, डैमेज नहीं पड़ा। हल्का सा आगे पीछे हो जा यार। लो भाई, 3 किलो निकल गए। अब थोड़ी दिक्कत है, एजेस आ गए सामने तो। ओके, ये वैसे बंदा बाहर है। भाई
भाई अच्छे खासे किल हो रहे हैं। 6 किल मैंने अभी कर लिए। ये मू मैक यहाँ पे है, लेकिन फन एक बार इधर आ जा। क्या गॉड लाइक होगा? ओ ये लग जाता यार, काश ये लग जाता यार। ये क्यों नहीं लगा? 9 किल हो जाते यार अगर ये लग जाता तो। चलो भाई रैम्पेज हो गया, क्या गोल्ड लाइक होगा? ओ ये हो गया गोल्ड लाइक। अब थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, कायरो जैवलिन वाले बंदे सामने है। नहीं भाई अब मर गए, अब गए भाई। कोई नहीं, अभी 10 किल तो इसी स्मैक से हो गए। कोई नहीं गाइस जीत गए। और भाई सैल्यूट है ब्रिक हाउस को, 10 किल मार दिए। वाह वाह यार, क्या कॉम्बो है! मैंने ये सोचा नहीं था इतना अच्छा कॉम्बो निकलेगा भाई। 50% ऑफ टीम के लिए, यानी आधा टीम का साथ मैंने दे दिया है, यानी आधे किल पूरी टीम के 100 में से मैंने किए हैं। वाह। एंड इसी के साथ चलो भाई स्पिन मारते हैं। क्या आएगा देखते हैं। एंड ओ ब्रिक हाउस का दिन नहीं है आज भाई। मतलब दिन क्या नहीं है, उसकी बस स्किन नहीं आई, बाकी तो बढ़िया ही चल रहा है ब्रिक हाउस का। चलते हैं गाइस एक और बैटल में। चलो भाई दोबारा से ब्रिक हाउस। ये अब इसकी स्प्रिंट थोड़ी सोच समझ के यूज करूंगा, बीच बीच में चला दो ऐसे, ताकि भाई ये एक ही बार में ना खत्म हो। चलो ठीक है। ओ, एक बार हट जरा। ओके गाइस इस बैटल में मुझे नहीं लगता मैं गॉड लाइक अचीव कर पाऊंगा। ओके ये बंदा पास आ रहा है भाई मेरे धीरे धीरे। भाई मैं उसको मार दे सकता था, चलो कोई बात नहीं। रुक जाओ जरा, अब यही पिटेगा मेरे से। ओ नो भाई मैं गया।
ब्रो चो कितने किल करे हैं भाई? एक हट यार, कभी चलता है कभी नहीं चलता यार। देखा भाई, किल शॉट ने क्या बदला लिया भाई, दोनों दोनों को उड़ा दिया भाई एक ही बारी में, एक डैश में दोनों गायब। ओके, डिस लॉन्चर और किसी के पास भी है? भाई मुझे थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। नहीं यार, ये बहुत बहुत मुश्किल भी नहीं भाई, हार गए हैं अभी। ये सैनिटल बचा है बस। वॉइस ऑफ सैनिटल ने क्या डैमेज मारा, थोड़ी देर और होती ना ब्रिक हाउस भी मर जाता। यही तो होता है भाई, अभी अगर ये गार्डियन होता तो कुछ भी नहीं कर पाता लिटरली। देखते हैं कितना डैमेज मारा है। 541 मेरे ख्याल से भाई, 1 लाख डैमेज तो तभी लग गया होगा। ठीक है भाई, किसी बैटल में लक साथ देता है किसी में नहीं। खैर बारी आ गई है वेपन एक्सचेंज करने की। चलो भाई शांति से वेपन एक्सचेंज हो जाए। तू बन जा वही अपना स्नाइपर। लो भाई वेपन एक्सचेंज हो चुके हैं। एंड भाई अब 3 मैक हैं अभी भी मेरे हैंगर में जो सिर्फ 16 एनर्जी के हैं, तो भाई जल्दी से जल्दी मैं उनको भी अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। अभी इसकी 60 है और ये 68 का होता है, यानी 8,000 बढ़ा दो उसमें 68 हो जाएगी, यानी 72 का हो जाएगा। नहीं, 76 का हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, तो गाइस 2v2 में चलते हैं। चलो गाइस बैटल हो चुकी है शुरू। सामने हैं बंदे, नो बॉट्स ओनली। ओ भाई ये कौन है, ये किसकी एबिलिटी है? हेमलॉक है भाई किसी बंदे के पास? इतने तकड़े बंदों से मुझे क्यों भिड़वा रहे हो भाई? ओ ओ ओ ओ भाई फाइनली मैंने मार तो दिया, लेकिन पीछे यार एक तो यार ये सीकर बहुत गलत है, बहुत गलत है भाई ये सीकर, बहुत दिक्कत होती है इससे। आ जा आ जा, अभी आएगा ना बताता हूँ मैं इसको।
अब आने वाला है, देखना अभी आएगा, देखना। भाई उसी टाइम इंटरनेट जाना होता है जब इतनी अच्छी बैटल चल रही हो। भाई यार मैं नहीं चाहता लीव करूं मैं बैटल। ठीक है यार करनी पड़ेगी लीव। खैर गाइस वही अपनी सीपीसी में चलते हैं। और ये बैटल हो चुकी है स्टार्ट, जल्दी करते हैं। गाइस ये लो आ चुका है डिस्ट्रक्टर, देखते हैं कितना तबाही मचाएगा आज, क्योंकि आज तबाही की सख्त से सख्त जरूरत है। भाई बहुत ही गंदी बैटल चल रही है, बहुत ही गंदी। अब
अबे देख के चल यार, नीचे माइन लगी हुई थी भाई, मुझे नहीं लगता और कोई मैक बचा होगा। ये देखो भाई, ये बंदा तो पूरा परिवार ही इसका जेवलिन रैक लेके पैदा हुआ है भाई। कारो जेवलिन सिक्स, ये जेवलिन सिक्स, वो जेवलिन सिक्स, भाई जेवलिन रैक। जाओ भाई रुक जाओ, जरा मुझे देखने दो कितने जेवलिन रैक है भाई इसके पास। हाँ ये रहा मैकेरिना। हाँ जेवलिन रिकॉर्ड, सिवाय इसके इसके पास पूरा परिवार ही जेवलिन रैक का है। हेलिक्स रैक 10-8, जेवलिन रैक 8-8, कायरो जेवलिन 6। ये मानना पड़ेगा यार, बंदे की पॉसिबिलिटी। डैमेज देखो 51,800 भाई, हमारा बेचारा कुल शॉट पीछे रह गया। लेकिन भाई 12% तक ये बढ़ा देता है डैमेज। तो चलो गाइज, ये आखिरी बैटल है गाइज, जस्ट 2v2 खेलो, जो मर्जी खेलो, सारे बंदे ही आ जा रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता क्या क्या करूं मैं। ओ नो, तो गाइज वो देखो भाई बंदा, बस 2-2 हो रहे हैं। भाई बैटल है कि क्या है यार, ये देखना। ये तो गाइस बहुत ही गंदी गई, अब देखना पड़ेगा भाई, एक राउंड तो मैं जीतूंगा। Gracias.
चलो गाइस, बंदे ही ऐसे थे। अपने टीममेट ने कुछ साथ ही नहीं दिया, इनको देखो दोनों को। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, और लाइक करना वीडियो को गाइस बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।